सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ट्रेन में बहुत सफर करा, बहुत कठिनाई से आए हैं। दो दो जगह गए, दिक्कतें नहीं हुई छात्रों को ऐसे? हाँ, प्रॉब्लम तो काफ़ी आई है क्योंकि उस दिन उस टाइम जो हुआ था वो दो दिन में सारा एग्जाम होना था, तो बस ट्रेन में भी बस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन दूर पड़ रहा है सेंटर, मतलब अदर स्टेट वालों के लिए बहुत दूर दूर सेंटर दिए जा रहे, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत है आने जाने में। बच्चे सारे हैं, हमें इन्होंने बताया हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कौन है कौन नहीं भाई। ये बच्चे सुनो, ये तो सुनो, ये बच्चे तो यहाँ आए, ये बच्चे देश का भविष्य है। लग रहा है परीक्षा सफल होगी, जैसे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इस बार उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो है कि हो जाए, इस बारी सारी सबकी जो मेहनत सबने करी है सफल हो जाए। यह व्यवस्था इनको नहीं, सरकार को करनी चाहिए हर सेंटर पर, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं उनका मतलब भला हो। बेरोजगारी तो इस देश में बहुत है, कहते तो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीबी लगती है हम उस देश में। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के कस्बा कांधला में है, कस्बा कांधला जिला शामली में है आए। आज देश में देश की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है, यूपी पुलिस भर्ती, जो पिछले कुछ महीनों पहले ये भर्ती पेपर लीक की वजह से रद्द हो गई थी। आज फिर कई तारीखों में इस भर्ती का आयोजन किया गया है शासन प्रशासन द्वारा। हम अभी कस्बा कांधला के जसन फार्म में है, जहाँ पर यहाँ के कांधला के सर्व समाज ने, यहाँ पर जो छात्र आ रहे हैं परीक्षा के लिए बाहर से, उनके लिए यहाँ रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था की है। और जो छात्र आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार उनको क्या लग रहा है, परीक्षा सफल होगी या इस बार भी रद्द होगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे छात्रों से। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? विवेक। विवेक, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। तो क्या लग रहा है, पिछली बार तो पेपर लीक की वजह से भर्ती रद्द हो गई थी, पिछली बार भी आए होंगे आप, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या चीज़ें ठीक है? इस बार ठीक है, इस बार सही व्यवस्थाएँ, रोडवेज की फ्री साधन की व्यवस्था भी की, और ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सही व्यवस्था है इस बार। तो आप राजस्थान से कैसे आए, ट्रेन में? बस राजस्थान से ट्रेन में आया। कैसे कैसे, मतलब ट्रेन? ट्रेन में बहुत सफ़र करा, बहुत कठिनाई से आए हैं। तो उसका किराया वगैरह भी देना पड़ रहा है? नहीं, फ्री में आया। अच्छा, इस बार फ्री है। तो यहाँ कैसी व्यवस्था लगी कांधले में? यहाँ सही व्यवस्था है, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं। क्या नाम भाई? मेरा चरण सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए कुशवाहा साहब? मैं दतिया, ग्वालियर। ग्वालियर से। तो क्या देख रहे हैं इस बार परीक्षा को लेकर? परीक्षा का माहौल बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर जो कांधला में व्यवस्था देख रहा हूँ, बहुत एक नंबर व्यवस्था है, लड़कियों की अलग व्यवस्था की गई है, रूम वगैरह की, खाना भोजन सब कुछ बढ़िया है। और पहले आप, पहले जब परीक्षा हुई थी, जब पेपर लीक हुआ, रद्द हुई, तब सेंटर कहाँ था आपका? तब इटावा। इटावा। तो ये दो दो जगह गए, दिक्कतें नहीं हुई छात्रों को ऐसे? हाँ, प्रॉब्लम तो काफ़ी आई है क्योंकि उस दिन उस टाइम जो हुआ था वो दो दिन में सारा एग्ज़ाम होना था, तो बस ट्रेन में भी बस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लड़कियों को भी रात में बैठने उठने की व्यवस्था प्रॉब्लम हुई, सोने की। इस बार थोड़ा ठीक रहा है। तो इस बार क्या लगा, सफल होगी परीक्षा? नहीं, इस बार सफल है देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर अच्छी तरह से पारदर्शिता तरीके से परीक्षा हो रही है, और छात्रों को जो मिलेगी जो मेहनत करेगा। व्यवस्था कैसी है शासन प्रशासन? व्यवस्था एक नंबर है, पुलिस का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, बाहर देखा है जगह जगह पुलिस लगी हुई है, लड़कियों से अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। जी भैया, क्या नाम? शिवम रावत। शिवम भाई, कहाँ से आए हैं? हम छतरपुर MP से आए। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। चलिए, कैसा लगा कांधले में आके? नहीं, कांधली तो अच्छा लगा, लेकिन दूर पड़ रहा है सेंटर, मतलब अदर स्टेट वालों के लिए बहुत दूर दूर सेंटर दिए जा रहे, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत है आने जाने में, और कोई दिक्कत नहीं। सेंटर, पहले सेंटर कहाँ था? पहले भी काफ़ी दूर था, बांस बरेली था, तो वहाँ गए थे। ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई इतने दूर एग्ज़ाम के लिए भेजा जाता है, क्या आपको कारण नज़र आ रहा है? नहीं, यूपी के बच्चों को आप पास ही में भेजा जा रहा है, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनको बहुत दूर भेजा जा रहा है। अगर ये पूरब में है तो वो पश्चिम में जा रहे हैं, थोड़ा सा दूरी है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए ज़्यादा दूर सेंटर दिए जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है आने जाने में। कुछ नहीं, कल से सफ़र कर रहे हैं, अभी आ पाए, अभी आया। तो अभी सेकंड पाली सेकंड में पेपर है, था। तैयारी कैसी हुई उस पेपर लीक के बाद? अभी तैयारी तो बेहतर हुई या कुछ कमी आई उसमें? नहीं, कमी तो नहीं आई, लेकिन टाइम मिल गया तो और बेहतर हुई, और पहली बार भी सही था, लेकिन इस बार और ज़्यादा मेहनत करके आए हैं। मेहनत करके आए, लग रहा है होगी परीक्षा? हाँ, होगी। और भी भैया, क्या नाम आपका? भानु। भानु भाई, कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से, कैसा रहा सफ़र? एकदम बढ़िया, व्यवस्था भी बढ़िया है यहाँ पे गार्डन वालों की तरफ से, ये हमारे बाबा साहब ने हमारी व्यवस्था अच्छी करी है,
इनका गार्डन है जी, कांदले से। हाँ जी, कांदला से ही है जी। नमस्कार बाबू जी, कई गार्डन है जी। क्या नाम है अपना? सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह जी, कैसी व्यवस्था आपने की? बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं कि कांदला में इस पहली बार आए। सब इन्हीं के भाग्य से हो रहा जी, हम कौन करने वाले जी। तो ये आयोजन कैसे किया आपने? मतलब सीमित सहयोग से है जी, पूरे कांदले के। हाँ जी भाई, बच्चे और इधर आ जाओ, इधर बच्चे और ये लोग बाग जो परेशान हो रहे हैं, तेरी शहर को बढ़ते देखे, इधर को आ जाओ। हाँ जी, राजस्थान से मध्य कई कई सौ किलोमीटर का सफर करके आए, तो इन्हें देख के हाँ कुछ समाज से भी ऐसे भी है, ऐसे लोग जो 10-5 आदमी ने मिल गई, वो सब अपना करा फार्म हाउस, यू ठेकेदार का घर का ही कोई दिक्कत नहीं, और बस यू चल रहा काम, और यू कल कल का दिन है और कल ही चलता रहेगा। तो सर, समाज से मदद आई है? हाँ, सब समाज के मतलब ये है, आदमी कोई करोड़ लेगा मर जाएगा, कोई अरब लेगा मर जाएगा, यू काम तो बस यू परमात्मा ही करवा भाई, बस और ही हमारे बस का नहीं है, वो हमने कर दिया यू। ये तो उस पर भुना है बुद्धि दी, और यू इनके बच्चों के भाग्य से हो रहा, 23 तारीख से ही चल रहा काम, और चलता रहेगा 2 दिन और। एक तरह से अगर देश में देखा जाए, कई तरह के माहौल खड़े कर दिए जाते हैं भाई, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं जाति के ऊपर नाम पर, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। मैं बताऊं जी, राजस्थान हरियाणा पंजाब में मैं सर्विस के लिए रहा, अभी यूपी के लोग हीन दृश्य देखते हैं, ये भूखे नंगे वैसे ही है, नाम बदनाम था, लेकिन ये जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसकी सभ्यता गंगा जमुना के बीच की जो है, हमें इस हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिली। कुछ लोग जो जहर घोलते हैं, मतलब कई मुद्दों पर नहीं, जहर यहाँ कुछ निकालने में कहीं जहर नहीं है, ये तो घोलते रहो जहर। राजस्थान के जितने भी आदमी आए, सबकी तबीयत खुश होगी, सब ठीक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा तो विजेंद्र सिंह है, यहीं जाट कॉलोनी के निवासी है, कांदले की। हाँ, कांदले ना, हाँ यहीं से। भैया क्या नाम? नीरज कुमार है। नीरज भाई कहाँ से आए आप? हम सहारनपुर से आए। अच्छा, तो पेपर है आपका? मेरा नहीं, वो मेरे साथ में है, उनका पेपर है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के, वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था नहीं है, स्कूल के सामने तो जगह ही नहीं है, तो उन्होंने बताया वो कांस्टेबल साहब थे वो के उधर में व्यवस्था कर रखी है। अब देखा बहुत आराम है यहाँ पे, खाने पीने रहने की व्यवस्था है, ये पहली बार हुआ है ऐसा किसी जिले शहर पे, पूरे मुझे लग रहा है ये पूरी इंडिया में पहली बार ऐसा किसी ने किया है, जो सब लोग खुश हैं। अच्छा, भर्ती के बारे में कैसा लगा, व्यवस्था कैसी है, इस बार सफल होगी या नहीं? भर्ती तो सफल ही है, जब सरकार चले सफल है, जब MBBS वाली सफल हो गई, सब बोल रहे थे कि उसमें बहुत धांधली हुई, ये हुआ, सरकार ने बोला कुछ नहीं हुआ, हमने चेक करा लिया, जब सरकार बोल रही चेक करा दिया, सब क्लीन चीट है, उनकी तरफ से क्लीन चीट आई, क्लीन है, उन्होंने बोला धांधली हुई, धांधली है, बस दिक्कतें हुई, दो बार पेपर देना पड़ रहा है छात्रों को, दिक्कतें हुई कुछ? क्या दिक्कत आने जाने में इसमें? ये तो सरकार ने फ्री कर रखा सबको इस बार, तो किराया ही नहीं लग रहा किसी का, जो राजस्थान से आ रहे वो भी फ्री आ रहे मुझे लग रहा है, और जो यहाँ से आ रहे वो भी फ्री है, तो उसमें तो मेरे को लग नहीं रहा है कोई दिक्कत है। चलिए ठीक है जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विकास। विकास भाई कहाँ से आए हैं? भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान, कैसी व्यवस्था रही यहाँ आप है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैं कल आया था 3 बजे के आसपास, तो आराम से सबने बहुत मेहनत करी। ये बच्चा भरतपुर का है। अच्छा जी। हम यहाँ मतलब एक चेतना जागी कि भाई बाहर के बच्चे यहाँ से आए, इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहे। जिस दिन पहला पेपर था, मैं घर से मंदिर जा रहा था, तो मैंने लड़की रोड पे सोती हुई देखी, तकलीफ हुई, मगर यार बता बच्ची रोड पे देखी, तो अपने 10-15 आदमी का ग्रुप है, उन्होंने भाई मगर इन बच्चों को रोकने का होना चाहे, जो कल बच्चा हमारे यहाँ पेपर देना आया और हमारे साथ लग के बिल्कुल हमारे की तरह काम कर रहा। कैसा लगा जी? बहुत घर वाली फीलिंग आई है बिल्कुल, ना तो कोई खाने की कोई प्रॉब्लम आई, ना सोने की, ना उठने की, बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, और इन्होंने बहुत साथ दिया है कि फर्स्ट पेपर वाले दिन लड़कियों को स्टेशन से अपने घर से लाया है, ना कि यहाँ पे, अपने यहाँ व्यवस्था नहीं थी उस टाइम, ये बाद में की गई है, पहले अपने घर लेके गए हैं। बहुत अच्छा प्यार दिया है इन्होंने सभी के लिए, और बहुत अच्छा माहौल है इनका। क्या नाम आपका? मेरा संजीव कुमार जी, संजीव अडवाणी जी। संजीव भाई कांदले से ही? कांदले से हूँ भाई साहब। अच्छा, कैसे आया ये आईडिया? भाई साहब मैं कह रहा था, मैं घर से जा रहा था, मैंने लड़की बाहर रोड पे सोती हुई देखी, अपना एक छोटा सा ग्रुप है, सारे भाइयों को कहा भाई ये बच्ची देखो बाहर से आ रही, आज आगी कब तक, कब जीवन में आवेगी नहीं आवेगी, अब ये कम से कम यहाँ इस वेंकट हाल में कम से कम 3-4 हज़ार आदमी रुकेंगे, और 3-4 हज़ार में से अगर 10 भी जागरूक हो गए, तो यही जो हम काम कर रहे हैं वो अपने वहाँ जाकर करेंगे, तो मतलब एक चैन जुड़ जाएगी, अच्छाई की चैन जुड़ना बहुत सबसे बड़ी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट रेल पे से बच्चे लाना, यहाँ खाना खिलाना, जो भी इनकी इच्छा हो लेके, मेडिसिन से लेकर हर चीज़। लेकिन देश की राजनीति में देखें तो
उथल पुथल रहती है हिंदू मुसलमान जाति ये बच्चे सारे हैं इनमें हमें नहीं पता ये हिंदू हैं मुसलमान है कौन है कौन नहीं भाई ये बच्चे सुनो ये तो सुनो ये बच्चे तो यहाँ है ये बच्चे देश का भविष्य है इनमें से अगर 20 बच्चे भी पुलिस में हो गए 50 भी हो गए बच्चे तो इनको ये चीज़ पूरी जीवन याद रहेगी साथ इनको ये गलत काम ना करे भाई नहीं देखो वहाँ अच्छे आदमी मिले तो हमें अच्छा बनना अगर 20 अच्छे पुलिस वाले बन गए तो देखो वो 20 को और बनाएंगे जी भैया जी क्या नाम है आपका मेरा नाम तरुण अग्रवाल है जी तरुण जी ये व्यवस्था की गई है किस तरह से आप आइडिया आया किस तरह से आपने सोचा उत्तर प्रदेश में 6 महीने पहले पुलिस की एक परीक्षा होनी थी तब पेपर लीक हो गया तो परीक्षा स्थगित हुई और वो दोबारा से बुलडोजर बाबा के नेतृत्व में इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ पहले भी तो उनके नेतृत्व पहले जो पेपर के जो माफिया थे जो पेपर लीक करते थे उन्होंने पेपर लीक कर दिया अब उसमें क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई इस बार थोड़ा ध्यान रखा गया इस बार जो है सेंटर्स का विस्तार किया आज पहली बार कांधला में हमारी याद में कोई इस तरह की पुलिस भर्ती का कोई जो सेंटर है वो पहली बार लगे हैं जिसमें कोई परीक्षा होने जा रही है आपको लगता है ऐसी व्यवस्था ये बहुत अच्छा संदेश जो जा रहा है भाई इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है देश में जहाँ नौजवानों की बात हो रही है तो लोगों को आगे आना चाहिए और भी इस तरह की व्यवस्था और जगह भी ज़रूरत है समाज में बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करती हैं सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती हैं धार्मिक क्षेत्र में भी काम करती हैं बहुत सारे आयोजन करते हैं चाहे रामलीला का आयोजन हो चाहे सुंदरकांड हो चाहे कोई भगवान शिव की यात्रा हो चाहे कोई भी आयोजन हो वो समाज के कुछ चंद लोग करते हैं जैसे कांधला है तो कांधला में 40-50 लोग होंगे जो सब तरह के आयोजन में शामिल रहते हैं जनसंख्या यहाँ भले ही 1 लाख है लेकिन वो 40-50 लोग हैं जो आपको सब जगह दिखाई देते हैं तो मेरा आग्रह है पूरे भारत में जहाँ भी जिस कस्बे में जिस नगर में इस तरह की कोई परीक्षा होती हो आगे भी होंगी तो सब लोग मिलके आगे आएँ और इस तरह की समाज सेवा में जुड़ें ये बहुत बड़ी समाज सेवा है मैं मानता हूँ जी नमस्कार क्या नाम है आपका दीक्षा जाट दीक्षा जी कहाँ से आए हैं आप मैं ग्वालियर तो कैसा रहा सफर इस बार बहुत अच्छा रहा मतलब जब मैं सुबह आई तो मैं धर्मशाला भी देखी होटल भी देखे तो कुछ समझ नहीं आ रहा फिर बताया कि इधर जाओ आप तो आते से ही बहुत मतलब नाश्ता जितना खाना है उतना बैग में रखना है वो रख लो बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं थी और कूलर वगैरह भी सब बढ़िया मतलब गर्मी भी नहीं है ज़्यादा तो इस बार उम्मीद है परीक्षा सफल होगी हाँ पिछली बार कहाँ से एंटर किया पिछली बार मैं गई नहीं थी भीड़ के चक्कर में इस बार मौका मिल गया हाँ, इस बार आपका आगे आगे। क्या नाम आपका ममता कश्यप अच्छा ममता जी कहाँ से आए दिल्ली से चलिए कैसी व्यवस्था लगी कांधले में आप बहुत अच्छी है व्यवस्था सारी बहुत अच्छी है बहुत सुविधा हमें मिली और परीक्षा कैसी तैयारी है बस कर ली है तैयारी तो लग रहा है परीक्षा सफल होगी जैसे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं इस बार उम्मीद है कुछ उम्मीद तो है कि हो जाए इस बारी सारी सबकी जो मेहनत सबने करी है सफल हो जाए चलिए आपको शुभकामनाएं सभी को जी भाई क्या नाम मेरा नाम हेमंत कुमार है अहमद भाई कहाँ से आए हो राजस्थान भरतपुर से तो क्या देख रहे हैं इस बार भर्ती को लेकर यह व्यवस्था इनको नहीं सरकार को करनी चाहिए हर सेंटर पर जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं उनका मतलब भला हो और ये पेपर मतलब पिछली बार की तरह अच्छा होना चाहिए मतलब पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए जो मतलब पहले धांधली हुई है इस पेपर में जिससे फिर बच्चों को मतलब दिक्कत आए और अब की बार तो मतलब बस फ्री कर दिए नहीं पिछली बार तो किराया भी पैसा खर्च हुआ था परंतु हम तो ट्रेन में आए हैं ट्रेन में पैसे भी लगते हैं टीटी आ जाते हैं पकड़ लेते हैं और उसमें ट्रेनों में भी फ्री व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को तो जैसे भीड़ काफ़ी देखी होगी स्टेशन पर बसों पर तो एक बेरोजगारी नज़र आती है बेरोजगारी तो इस देश में बहुत है कहते तो पाकिस्तान की है पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीबी लगती है मुझे देश में मैं पहले मतलब इंडियन आर्मी में मतलब फिजिकल कर चुका था पेपर में रह गया था दोबारा में मतलब पेपर अच्छा हुआ तो मतलब मेडिकल में निकाल दिया गया इसे पेपर जैसे बार बार लीक हो रहे हैं इस बार लगता है कि सफल होगी परीक्षा परीक्षा तो अंदर उनको पता है क्या हो रहा है परंतु अंदर अंदर कुछ हल्का पता चल रहा होगा पर कह नहीं सकते परंतु अब की बार खुलासा नहीं होगा इसका पेपर मतलब दोबारा हुआ और इसके अंदर घोटाला तो इसका खुलासा दोबारा पेपर नहीं होगा ये तय है फिक्स चलो ठीक है हम लोग कस्बा कांधले में थे ये जिला शामली में यहाँ पर जसन फार्म है जहाँ पर जो पुलिस भर्ती में जो छात्र आए हुए हैं वो उनकी व्यवस्था यहाँ कांधला के सर्व समाज की तरफ से की गई है बच्चों का कहना है कि
व्यवस्था बहुत अच्छी है, कांधला के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और उन्हें बहुत ही मदद पहुंची है इस व्यवस्था से। तो बच्चे छात्र जो है वो तैयारी से आ रहे हैं, अपनी परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ कांधला में ही सेंटर है और एक तरह से बहुत बढ़िया संदेश कांधला से जा रहा है कि इस तरह की व्यवस्था बाहर से आने वाले छात्रों के लिए की गई है। जुड़े रहे आप CCA के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।